एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ईद स्पेशल मेहंदी का डिजाइन, जो कि है ये वाला। ये डिजाइन आपकी ईद में चार चांद लगाने वाला है, बट इसके अंदर मैंने यूज किए हैं पांच चांद, जो कि है हाफ वाले। तो ये डिजाइन जो है मैंने अच्छे से किया है। इसके साथ में मैंने ना ध्यान रखा है लाइट एंड डार्क का जो शेड है वो मेंटेन करते हुए इस डिजाइन को मैंने डिजाइन किया है। बट इसको बनाते हुए ना एक चीज मैं आपको बताती हूँ, इसको बनाते हुए मुझे ना रात के 2 बज गए थे, और मैंने जब सुबह उठ के डिजाइन देखा तो बताओ मेरे से क्या हुआ होगा, आधा डिजाइन रिकॉर्ड हुआ एंड आधा डिजाइन रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तो इसमें जो मैंने फ्लावर्स एंड लीव्स का यूज किया है ना, तो वो सेपरेटली मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि फ्लावर एंड लीव्स जो है वो कैसे बनानी है, देन उसी का यूज करते हुए बैक टू बैक जो डिजाइनिंग है बाकी की वो करनी है। बट ये जो फ्लावर्स है ना, मैंने फुल फ्लावर ड्रॉ किया है, बट जो चांद के साथ में एंड मतलब कि अलग अलग जगह पे जो मैंने फ्लावर्स एंड लीव्स का वर्क किया है वो हाफ डिजाइन किया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको हाफ ही इसको डिजाइन करना है एंड पेटल्स फिगर को अच्छे से बोल्ड एंड थिक डिजाइन करना है। आज के डिजाइन सीखने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप आज ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियोस मिलती रहे और आप कुछ ना कुछ नया सीख पाएं। और अब जो है मेरी वीडियोस वो डेली नहीं आ पाएंगी, एक दिन छोड़ के एक दिन पर वीडियोस आएंगी, प्रॉपर डिटेल वाले वीडियोस अब आने वाले हैं। तो होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आए, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि इसको मैंने बहुत मेहनत की है डिजाइन करने में। और जब सुबह देखा ना कि आधा पार्ट इसका नहीं हुआ था रिकॉर्ड, तो बहुत ज्यादा ना टेंशन हो गया था कि अब मैं क्या करूं। बट फिर भी मैंने एक सॉल्यूशन इसमें निकाला कि आपको फ्लावर की डिजाइनिंग पहले बता दिया कि कैसे डिजाइन करना है, एंड उसके बाद बैक टू बैक सेम वही पैटर्न जो है वो रिपीट होने वाला है। तो अपना बहुत ज्यादा प्यार दे देना ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं। मुझे बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट फील हो रहा था उस टाइम पे कि क्या हो गया, ये मेरे साथ में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्योंकि टाइम का भी इशू रहता है, बैक टू बैक क्लासेस वगैरह होती है, और अभी भी ना बार बार वीडियो बार बार बीच में रुक ही जा रहा है। पता नहीं ये जो मैं बोल रही हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। फोन में ना कुछ फाइल फॉर्मेट का कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया है, वो मैं अभी देखती हूँ इसको रिकॉर्ड करने के बाद। तो चलिए आज की डिजाइनिंग वाला वीडियो हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बनाना है एक स्पाइरल, पूरा अच्छे से लेयर्स वाला स्पाइरल ड्रॉ करना है, और बीच में एक डॉट लेना है। और अब यहाँ पर ना थोड़े थोड़े से गैप पर मैं 5 पेटल्स बना रही हूँ। पेटल्स का ध्यान रखना है एक दूसरे के साथ में ना चिपके, गैप रहना चाहिए ताकि अच्छे से प्रॉपर आप थिक कर सकें पेटल्स को। तो जैसे मैं अभी यहाँ पर इन पेटल्स को थिक कर रही हूँ ऐसे ही करना है, अच्छा सा प्रॉपर कर्वी शेप देना है। देन इसके ऊपर बाहर की तरफ से अगेन एक और लेयर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ एक थिन लाइन की, फिर उसके ऊपर मैं अगेन पेटल्स बना रही हूँ। पेटल्स के जस्ट ऊपर ही अच्छे से पेटल्स का लेआउट डिजाइन करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें करूंगी थिक फिलिंग। आपको ध्यान रखना है कि आप पहले लेआउट डिजाइन कर लें, वो थोड़ा सेमी ड्राई हो जाए, उसके बाद थिक फिलिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ताकि है ना मेहंदी फैले ना। अभी यहाँ पर 2 पेटल्स के बीच में से मैं एक लीफ जो है ऊपर की तरफ बना रही हूँ, ऐसे ही बैक टू बैक और लीव्स भी बना रही हूँ। अब देखो फर्स्ट जो बेस होता है ना वही मैंने कर्व करते हुए बनाया है, एस की जैसी शेप है उसकी, और बाकी लीव्स भी ऐसे ही ड्रॉ करी हैं बाहर निकालते हुए। इसको आप पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कर लेना, फिर डायरेक्ट कोन से कर सकते हैं। और यही सेम पैटर्न जो है हाफ फ्लावर्स का मैंने क्रिएट किया है पूरी जो फुल डिजाइनिंग है उसके अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लाइट सा लेआउट ड्रॉ किया है हाफ चांद का, इसके बीच में ही स्पाइरल ड्रॉ करते हुए सेम जो फ्लावर हमने अभी पहले सीखा है वैसे ही यहाँ पर पेटल्स जो है मैं वो बना दूंगी। और इसके बाद वाला पार्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, जो कि था ये वाला फुल, ये मैंने डिजाइन किया था रिकॉर्ड किया था बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो ये है ना इसका एक लेआउट है जो कि आप बहुत अच्छे से देख लेना, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको लेयर बाय लेयर डिजाइन करने में ईजी रहे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको बना पाए। तो यहाँ पर अभी मैं फिंगर में कर रही हूँ डिजाइनिंग, फिंगर्स में भी चांद का जो शेप है वो ड्रॉ किया है, और यहाँ मिड में ना मैंने एक थोड़ा सा बड़ा चांद जो है ना वो बनाया था, और फिर नीचे की तरफ एक फ्लावर एंड लीव्स का काम किया था, देन फिर जस्ट उसके ऊपर भी मैंने उसी तरीके का काम किया था। आप इसको बनाने से पहले जो यहाँ पे मिड में इसका एक लेआउट आपको दिख रहा है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इसको बना पाए, पहले लेआउट डिजाइन कर लें देन थिक फिलिंग वाला आप काम इसमें कर सकते हो।
यहाँ पर थंब में मैं सेम फ्लावर वाली जो डिजाइनिंग है वो कर रही हूँ, देन लीव्स का वर्क मैंने किया है, और अब यहाँ पे नीचे की तरफ भी मैं लीव्स दे दूंगी। आपको ध्यान रखना है जहां जहां पर आपको जगह खाली दिखाई दे रही है ना, वहां लीव्स का काम करते हुए जाना है, एक दूसरे में से निकलती हुई लीव्स दिखनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने लीव्स पहले ड्रॉ करी थी, पूरा लेआउट जो है वो डिजाइन किया था, अब उसमें मैं थिक फिलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे पहले मैंने एक लाइट सा जो चांद का शेप था ना वो ड्रॉ किया था, तो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो मैंने उससे पहले ही ये जो चांद का जो शेप है ना, ये हमने पहले लाइट ड्रॉ किया होता, इसको एक बार लाइन आपने दे देनी है उसमें डिजाइनिंग करने से पहले, ताकि एकदम प्रॉपर लाइन हो। उसके बाद में बीच में अगर आप डिजाइनिंग करें तो बाहर से दोबारा से आपको लाइन देने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए ये चीज आप पहले ही कर लेना। जब सेमी ड्राई हो जाए पूरा पैटर्न, देन लेयर देके आप उसको फिनिश करना, और फिर थिक फिलिंग वाला काम जो है वो करना। और इसके बीच में ना मैंने एक नेट सा जो वर्क था ना वो यूज किया है यहाँ पर चांद में, जो कि आपको एंड में देखने को मिलेगा। वो पैटर्न अगर आप थिक फिलिंग करने से पहले करना चाहें तो आप पहले ये जो चांद वाला शेप है इसके अंदर कर सकते हैं, देन थिक फिलिंग कर सकते हैं। और इसमें ध्यान रखना है कि आप एक ही साइड से फिलिंग करते हुए जाएं, डिजाइनिंग करते हुए जाएं, ताकि आपको हाथ रखने में प्रॉब्लम ना हो अलग अलग डायरेक्शन से। अब मैं यहाँ पर जो है चांद के अंदर एक डिजाइन करने वाली हूँ। ये जो एक नेट का पैटर्न है ना, इसको आप पहले पेंसिल से डिजाइन कर सकते हैं, पहले प्रैक्टिस कर लेना, देन आप इसको ड्रॉ करना। अगर आपको ये पैटर्न समझ में नहीं आया है ये मैंने कैसे बनाया है, तो आप इसको एक बार वीडियो को स्लो करके देख लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए ये पैटर्न कैसे बनाया है। इसको पहले आप एक बॉक्स में प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये जो चांद का शेप है ये थोड़ा सा कर्वी है, तो इसमें करने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी जगह ना अगर आप ये पैटर्न ना बना पाए तो आप स्पाइरल्स ले सकते हैं, स्पाइरल ड्रॉ किया एक कर्व उसके ऊपर दे सकते हैं। डॉट मत देना, ओनली लाइट डिजाइनिंग जो है वो आप कर सकते हैं, और इसके अलावा और भी जो चीज आपको पसंद आए वो आप कर लेना, बट वो लाइट ही होनी चाहिए, मतलब कि थिन ही वर्क होना चाहिए, थिक वर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी थिक वर्क हम इसके आइट साइड में पूरे में कर चुके हैं। अभी यहाँ पे जो चांद का ये जो डिजाइन है, इसमें ये जो पैटर्न हमने ड्रॉ किया था, इसकी वन साइड का जो कॉर्नर वाला पार्ट है ना, वहां पर मैं यहाँ पर शेडिंग दे रही हूँ। ये एक पूरा ना 3D लुक दिखेगा जब शेडिंग मैं इसमें पूरी दे दूंगी। आप देखो ये मिड वाला कितना सुंदर डिजाइन लग रहा है, पूरा अच्छे से शेडिंग वर्क में यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर्स में कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। जो फर्स्ट चांद हमने ड्रॉ किया था उसके अंदर ये नेट वाला पैटर्न जो है वो मैं बना रही हूँ। अगर आपको इसके ऊपर भी स्पेशल एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, तो ये वाले पैटर्न की मैं एक वीडियो भी अलग से अपलोड कर दूंगी। और अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना, ताकि आपको ये पैटर्न पूरा समझ में आ जाए मैंने कैसे कैसे डिजाइन किया है, कैसे मैंने इसको बनाया है। और इसमें भी इसको पूरा कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर्स कॉर्नर्स में हमको देनी है शेडिंग, जो कि अभी मैं यहाँ पे दूंगी, जैसे कि ऊपर आपने मुझे देते हुए देखा था। और आप मुझे कमेंट्स में ये भी बताना कि नेक्स्ट और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर देखना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी मैं वीडियोस जरूर बनाऊंगी, और पहले के भी जो आपने कमेंट्स किए हुए हैं वो भी मैं देख लूंगी, तो उनसे रिलेटेड भी बहुत सारे वीडियोस जो है अब मैं डालने वाली हूँ। तो ये अभी पूरा अच्छे से हम करेंगे कंप्लीट डिजाइन को। ये हमारा पूरा डिजाइन हो गया है बनके रेडी। ये डिजाइनिंग आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर जरूर बताना, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।